हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो भाई मैं आज बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरी इंडिया से कनाडा की फ्लाइट है। मैं कनाडा मूव हो रहा हूँ अपनी स्टडी के लिए और भाई मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो अभी थोड़ी आवाज नहीं आ रही क्योंकि घर पे रिलेटिव आ रहे हैं, मतलब बहुत हंगामा हो रहा है। बाकी भाई ये देखो कल रात पूरा धमाल करी है, इसकी वीडियो में डालूंगा क्या मस्त मस्त धमाल करी है। और भाई आज मेरे को अपने अम्बाला से निकलेंगे हम 11 बजे, क्योंकि वहां पे पहले कोरोना टेस्ट होगा जिसका 6 घंटे बाद रिजल्ट आएगा। फिर कल सुबह 5 बजे मेरी फ्लाइट है डायरेक्ट इंडिया टू कनाडा की, अब डायरेक्ट फ्लाइट खुल चुकी है। तो भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, बाकी वीडियो को एंड तक देखना, पूरी जर्नी दिखाएंगे आपको क्या क्या हुआ। भाई जी यार, भाई भाई हाँ भाई, इंडिया टू कनाडा मस्त व्यूज आएंगे। तो इस टाइम आ रखे हम यहाँ पे अपने भाई स्पेशल अम्बाला के पूड़िया कचौरिया खाते हैं, क्योंकि हमारे सामने है, लास्ट बार खाएंगे, फिर पता नहीं कब खाने को नसीब हो। सुबह सुबह भाई कचौरी खाने का यहाँ पे मजा ही कुछ। तीन जो टैचियां मैं लेके जाऊंगा साथ में, ये रे जो तीन सूटकेस मैं लेके जाऊंगा साथ में, 23 केजी का, और एक वो बैग पड़ा है जो कि मतलब उसका वेट नहीं होता। बाकी मैं अभी इन सब की पैकिंग वीडियो बनाई है वो मैं डालूंगा कनाडा पहुंचने के बाद। और जो मैंने वीडियो बनाई थी कि मेरा 24 घंटे में वीजा कैसा आया उसकी वीडियो बनाई है, मतलब वो भी आपको दिखाऊंगा मैं। सॉरी एक मिनट हल्ला हो रहा है, बैठ के बात करते हैं। तो भाई मैंने पैकिंग की वीडियो बनाई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो के बाद। लगातार वीडियोज आएंगी, लाइक जिस दिन मेरा वीजा आया था स्टैम्पो के उस दिन की, और जो मेरा वीजा कैसे पीपीआर जो है मेरी 24 घंटे में आ गई। मैंने 2 सितंबर को बायोमेट्रिक दी थी और 3 सितंबर को मेरी भाई पीपीआर आ चुकी थी रात को, तो मैं आपको सब बताऊंगा। तो फाइनली गाइस अब हम रेडी हो चुके हैं और हमारे साथ है भाई ये भाई इनको जानते हो तुम, हमारे पहले व्लॉग में आए थे हमने स्टार्टिंग करी थी लोग की, आज हम एंड करेंगे। ये भाई आरएन कैमरामैन, ये भाई मेरा असिस्टेंट, थैंक यू ये मेरा बैग बुक पड़ेगा आज भाई, कैसे जा रहे हो ये नहीं भूल सकते भाई। थैंक यू गाइस, अपना कीमती समय निकाल के मेरे लिए आए। टू भाई और भाई कर रहे हैं भाई व्लॉगिंग, चल रही है व्लॉगिंग बहुत।
भाई मैं आगे बैठा थोड़ी देर के लिए। चल यार तुम बैठो यार, बैठ जा सारे। खोली नट्टू भाई, आ जाएंगे ना, दिक्कत नहीं, उधर जा भैया, मैं कनेक्ट कर लूं। कर ले भाई। ओके भाई, ओके भाई, हाथ तो मिला ले यार, आगे मिलते हैं। देख लियो अमन डार्लिंग, मीट यू सून, मीट यू सून, मीट यू सून, ओके ब्रो, यू नो आई नो यू विल आल्सो कम। चल ठीक है भाई, भाई मिलते हैं, ठीक है, बोलिए जतिन, ओके, ठीक है गंदे भाई, तेरी आवाज आएगी, तेरे को लेने आता था मैं यार सिटी भाई, भाई आ नहीं रहा, बीटी डोंगल आ रहा है, ओके बाय बाय सिरा बाय, टेक केयर, टेक बाय, लव यू टू भाई, ले ताले, चलो भाई, जिंदगी तेरे नालो भाई, ठीक है, चले भाई, चलो भाई, बाय नट्टू भाई, जा रहे हैं दिल्ली, लाखों कमाए गए, करे जा रहे हैं और कहीं से। तो भाई अभी हम अपने माला से बस निकलने वाले हैं दिल्ली, यहाँ से कुछ 3 घंटे दूर है बस, फिर सीधा हम एयरपोर्ट में मिलेंगे आपसे रास्ते में कहीं। बाकी अपने भाई लोग मेरे को छोड़ने जा रहे हैं भाई, ये नट्टू भाई है भाई, ये विवेक भाई है, ये शेखू भाई, ये मानशु भाई, ये आदित्य, कैडम है भाई, जो भाई अभी तो थोड़ा पेट्रोल डलाने के लिए रुके हैं, कितना पेट्रोल डल रहा है दिखा दे भाई, भाई ज्यादा नहीं है यार, पता लगे 4000 का भाई, थक जाएगा मैं चला लूंगा बता दियो भाई, यहाँ भी है, हाँ भाई यहाँ पे ड्राइवर भाई, तुम्हें याद नहीं आएगी मेरी, आएगी भाई, रो देता मैं भाई, ये बंदा इमोशनल है, रोएगा भाई एयरपोर्ट पर, एक तो फेमस लोग रहा हमारे पास, अरे भाई फीचर्ड इन माय व्लॉग्स। गाइस अब 2 घंटे बाद हम रुके हैं शिवा ढाबा पे, जो कि मुरथल में है, थोड़ा ब्रेकफास्ट लंच करेंगे और फिर सीधा जाएंगे एयरपोर्ट, तो सीधा एयरपोर्ट होना भाई, 2 घंटे से बुरी हालत हो गई, तो गर्मी इतनी है, बाकी दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या होता है। तो लंच ओवर हो चुका है, अब बस एयरपोर्ट की ओर जा रहे हैं, ये दो अभिषेक है भाई, दोनों अभिषेक हैं। बाकी भाई लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करो। मेरा रिजल्ट 6 घंटे में आएगा, मैंने पहले से बुक किया हुआ था, 2 घंटे का रैपिड और एक अब यहाँ के बुक होता है, तो लाइन बहुत लंबी लगी है टेस्ट के लिए। ये देखो भाई आरटीपीसीआर तो सामने भाई जा रहे हैं, तो अभी आरटीपीसीआर टेस्ट में सिर्फ 1 घंटा रह गया, जो ना हुआ तो सीधा फिर 10 घंटे बाद क्योंकि मुझे रैपिड देना पड़ेगा, रैपिड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी, जो ऑनलाइन कराई बर्बाद जाएगी, इसलिए दोबारा जाना पड़ेगा फटाफट, तो 1 घंटा रह गया, देखते हैं 1 घंटे के अंदर नहीं होता तो फिर रैपिड देना पड़ेगा मेरे को, जिसका रिजल्ट 1 घंटे बाद आ जाएगा। देख रहा भाई, अगर हमने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ना कराई होती तो ऐसे लाइन में लगे होते जैसे ये लोग लगे हैं अभी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए, पर हमने ऑनलाइन करा दिया, देखो कुछ भी नहीं है, सीधा आए पासवर्ड दिया बिल्कुल 1 मिनट के अंदर, देख लो कितनी लंबी लाइन है ये पूरा वहां तक, तो भाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लेना अपनी ताकि लाइन में ना लगना पड़े आपको और जल्दी जल्दी टेस्ट हो जाए, बाकी अब अपना सैंपल देते हैं, रिजल्ट का वेट करते हैं, होपफुली नेगेटिव ही आए। आ गया मस्ती, हैप्पी बर्थडे तनु, हैप्पी बर्थडे,
तो मास्टी मेरे लिए और मैं छोटी सिस्टर के लिए केक लेके आए क्योंकि आज हम दोनों मेरा और उसका बर्थडे है, मतलब मैं जा रहा हूँ और हम तो केक कर देंगे। जानते हो कि मेरे पहले ब्लॉग में आता और वो ब्लॉग बहुत ही फ्लॉप गया था, 200 व्यूज भी टपे थे उसपे, पता नहीं क्यों लोगों ने बहुत गंदे रिव्यू दिए। बस यार बाकी ब्लॉग वहीं पे हैं। अरे रोवाना भाई बस भाई बस यार। तो फाइनली गाइस अब बच गए 12 और मैं जा रहा हूँ अंदर टर्मिनल 3 के गेट नंबर 6 के अंदर जा रहा हूँ मैं। भाई लाइट मुंह पे नहीं बढ़ रही है, भाई तू भी नहीं, ये मेरे साथ नहीं जा रहा भाई, मैं जा रहा हूँ, ये मुझे छोड़ने जा रहा है। बस मैं जा रहा हूँ अमेरिका। कहाँ है गाड़ी? बस अभी अपनी जो बैग्स वगैरह है वो लगेज वगैरह कलेक्ट कर रहा हूँ मतलब, और फिर जा रहा हूँ आपको दिखाता हूँ इमिग्रेशन में मुझे डर लग रहा क्या होगा। तो भाई मैं इधर आ चुका हूँ अंदर, अभी अपना चेक इन करना है, अब देखना है कि बोर्डिंग पास कहाँ से मिलेगा कनाडा के लिए, एयर कनाडा के लिए जाना है मुझे, तो मैं ढूंढता हूँ जहाँ स्टूडेंट्स की लाइन होगी शायद वहीं पे होगा। चलो मैं आपसे बाद में दिखाता हूँ आपको क्या क्या हुआ बाकी। तो फाइनली गाइज अंदर एंटर कर चुका हूँ अभी मैं, तो मैं अभी पूरा थोड़ा अभी मेरी एयर कनाडा की अभी कहते हैं चेक इन स्टार्ट नहीं, 12 बजे होगी तो एक घंटा पड़ा है अभी ऊपर से, फिर ऊपर से अभी मैं जा रहा हूँ कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट लेने जो कि बिल्कुल एंड काउंटर पे है, तो वहाँ भी थोड़ी भीड़ होगी, तो ऐसे तो नेगेटिव आई है रिपोर्ट, बाकी थोड़ा अब जाके वहाँ रिपोर्ट लेता हूँ, कलेक्ट करता हूँ, वेट करता हूँ, फिर चेक इन करना है मुझे
डी के पास आके मेरा है एयर कनाडा का, और मैंने अभी वेट चेक किया अपनी लगेज का, एक का 23 आ रहा है, एक का 23.6 आ रहा है, और एक का 9.9 केजी आ रहा है, जो कि 7 केजी की है उसमें 9.9 केजी आ रहा है, जिसमें से मेरे ख्याल से सामान वो उठा उठा के मारेंगे और बस। तो भाई दुआ करता हूँ कोई भी चेक ना हो सामान एक भी बार, मतलब कोई भी चेक, मतलब 7 किलो का चेक ना हो, बाकी तो दोनों का सही है, वो छोड़ भी देंगे 600 ग्राम क्या ही कर देंगे एक्स्ट्रा पेमेंट लेके। तो फाइनली चेकिंग स्टार्ट हो चुका है, अपना चेकिंग बनाएंगे तो 15 मिनट से बड़ा ब्लॉग कर रहा हूँ, क्योंकि वो काफी के पीछे तो मैं आपको बताया था ज़्यादा लंबी लाइन नहीं था, आपको दिखाया था मैंने फटाफट में दिख गया और सबसे अभी दो मैंने देखी, अब लगेज की टेंशन हो रही है ज़्यादा ना चेक। फाइनली लगेज जो है करा दिया जमा, अब जो है मैं जा रहा हूँ अपना डोमेस्टिक डिपार्चर, हाँ इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ, इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ मेरी बोर्डिंग है 4 बजे, अब मेरे को करना पड़ेगा वेट, अब घूमेंगे थोड़ा ड्यूटी फ्री वगैरह आराम से चिल करेंगे। ओ सॉरी चेक इन तो रह गया, चेक इन हो गया या रह गया पता नहीं, मैं पूछता हूँ किसी से, मेरे को खुद को नहीं पता यार, बाकी शायद इधर से ही है, चलो मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या होता है। ये रहा अच्छा इंटरनेशनल डिपार्चर, ये रहा तो मुझे इस साइड जाना है, ये रहा मेरे हाथ में बोर्डिंग पास, एक वैंकूवर तक है फिर उसके आगे टोरंटो तक है। फाइनली जिसका डर भाई लगेज का डर था कि ज्यादा आ गया, उन्होंने वेट चेक किया 9 आ गया, पर कुछ भी नहीं कहा उन्होंने, कह रहे थे सर आप ले जा सकते हो भाई, रफत की सांस आई वहाँ पे, क्योंकि भाई लगेज का डर था क्योंकि 9.9 था और अलाउड सिर्फ 7 kg है, फिर भी उन्होंने छोड़ दिया, मैं हैरान हूँ भाई कैसे, पर सही है छोड़ दिया, बिल्कुल ठंडक मिली। अब जाना इंटरनेशनल डिपार्चर की तरफ, मेरी 12 बज रहे हैं अभी, 4 घंटे वेट करना है, कैसे काटूंगा पता नहीं मुझे, पर हाँ ड्यूटी फ्री घूमते हैं, मैंने सुना है ड्यूटी फ्री बढ़िया यहाँ का, तो ड्यूटी फ्री देखते हैं क्या है, आपको भी दिखाते हैं। सॉरी मैं आपको एक मेन चीज़ तो बताना भूल ही गया, ये भी कहते हैं इमिग्रेशन बाकी है, इमिग्रेशन रहती है, अभी तो बस बोर्डिंग पास मिला है, अभी इमिग्रेशन का डर है भाई उसमें कुछ सबसे ही हो जाए बस, बाकी मैं चलता हूँ दिखाता हूँ, अगर दिखा सका तो इमिग्रेशन में क्या क्या होता है और क्या क्या पूछा उन्होंने। तो यहाँ पे खड़ा मैं इमिग्रेशन के लिए, बस इमिग्रेशन होने वाली है, मतलब देखने क्या होगा, फिर सुबह सिक्योरिटी चेक करके फ्री होंगे, तो बस ये थोड़ा सा रह गया, बस ये मेरे पास है एक अपना लगेज, और बाकी जाता हूँ इससे क्या सीन हुआ था, उन्होंने मेरे को परमिशन दे दी 10 किलो के बाद। तो भाई अभी क्या सही वाला कटा हमारा, जहाँ हम यहाँ खड़े थे ना इमिग्रेशन ऑफिसर था एकदम से, जैसे मतलब मेरे से एक आगे भैया का नंबर आया वहाँ एग्जिट वाला ये लगाया और चल दिया, बताया भी नहीं कि क्या करना है मतलब भाई, और इधर वाले फैमिली इधर लाइन में खड़े हो कि सर ने बोला इधर खड़े हो जाओ, वो कह रहे भाई इनवाइट तक मेरा नंबर है, सॉरी इनवाइट वाले भैया तक मेरा नंबर है, आगे मैं नहीं लूँगा। फिर हमने कहा हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे, खुद ही इमिग्रेशन करेंगे क्या, तो हमने कहा भाई खुद ही इमिग्रेशन करेंगे क्या, फिर भाई कह रहे लग जाओ हम कर देंगे ओवर टाइम कर दूंगा, मतलब भाई क्या ही हद है, खुद ही इमिग्रेशन करनी पड़ेगी यहाँ पे भाई। वो भाई साहब आया सीधा यहाँ ये लगाया चल दिया, सॉरी भाई गिरी जा रही है। तो फाइनली गाइस इमिग्रेशन हो चुकी है, बस अब लास्ट स्टेप है सिक्योरिटी चेक, उसके बाद सीधा बोर्डिंग के लिए थोड़ा वेट करना है, वो तो सिक्योरिटी चेक में देखते हैं क्या क्या निकालते हैं ये लोग, ये आपको आगे दिखाते हैं। पावर बैंक वगैरह सब रखते हैं यहाँ पे, मोबाइल वगैरह चार्जर और फोन भी रखना है, तो फोन बाय बाय। तो फाइनली गाइस अभी मेरा सिक्योरिटी चेक खत्म, बस सब कुछ खत्म हो गया, अब मुझे जाना है सीधा थोड़ा ड्यूटी फ्री घूमते हैं, ये देखो ये दिल्ली ड्यूटी, एक मिनट अच्छे से दिखाता हूँ, ये रहा दिल्ली ड्यूटी फ्री, अब थोड़ा घूमेंगे, अभी 2 घंटे पड़े हैं ऑन बोर्ड होने में, तो मस्त अभी घूमते हैं इधर। मैं सोच रहा था कहीं अपना बैग वगैरह रख दूँ, पर कोई है नहीं बैग वगैरह रखने के लिए, तो थोड़ा ड्यूटी फ्री में देखते हैं। तो भाई ये है वो जगह जहाँ अपने मतलब बहुत सारे ब्लॉग्स में देखी होगी, हर कोई डालता ही रहता है, तो मैं ज़्यादा दिखाऊंगा नहीं, ड्यूटी फ्री यहाँ का दिल्ली का कुछ भी ले लो महंगा देते हैं पर बढ़िया होता है, बाकी अपने कुछ लेना नहीं है, दारू दूर है ये तो फालतू का है। अब मैं जाऊंगा
स्टेशन वाली और मुझे भाई मिल गए थे। और भाई ये भाई कहाँ जा रहे हो? मैं एडमिंटन। एडमिंटन जा रहा भाई अपना, बस भाई साथ मिल गया, टाइम पास हो गया, बढ़िया बढ़िया दोनों को मजा आया भाई। बाकी भाई चैनल सब्सक्राइब कर देना भाई, बोलो यार। हाँ भाई, चिराग गोंदी भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं भाई, फ्लाइट में दिखाते हैं आपको क्या क्या होता है। ओके मिलते हैं भाई। एयरपोर्ट पे दूसरी बार कटता हुआ यहाँ पे मेरा, इन्होंने हमें देखो खड़ा कर लिया दोनों को, हम भाई खड़े हैं, कोई नहीं खड़ा इनमें से, देखो कोई नहीं खड़ा यहाँ से, हम खड़े हैं भाई। इन्होंने बोला अभी हो ही नहीं रही, बोर्डिंग ही नहीं हो रही, 4 बजे का टाइम था, 4:15 हो गए होंगे, मस्त कट रहा भाई, कटते कटते कनाडा पहुंच जाएंगे हम। कोई नहीं भाई, तुम्हें एंटरटेनमेंट मिल रहा है ना, चिल करो, मौज करो भाई। फाइनली भाई बोर्डिंग हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं। यस ना यार, मैम फाइनली भाई हमारा पर्ची में नाम कर चुका कि हम एंटर कर चुके हैं। अब भाई प्लेन के अंदर जा रहे हैं भाई, ये बहुत सबसे पहले इसकी बोर्डिंग हुई है भाई, इसको पूछ लेना एक्सपीरियंस कैसा रहा इसका। भाई बहुत खराब है भाई, क्या मैट भाई मैट देखो क्या बढ़िया लग रहा है। आपका भी धन्यवाद। पॉपआउट हो गया फ्लाइट में आके, मेरी सीट वहाँ पे है जहाँ पे ब्लू, हाँ वो ब्लू सूटकेस दिख रहा है वहाँ पे, मेरी थी भाई विंडो सीट। उन्होंने बोला कि हमारे साथ बच्चा है, हमें दे दो ये वाली, तुम बैठ जाओ। इधर वाली सीट भाई, इतना बढ़िया व्यू छोड़ के मैं अपनी सीट छोड़ के आऊँ, फिर मैं भाई भाई के साथ आ गया भाई, हम मस्त मजे करते जाएंगे भाई, मैं उधर नहीं बैठूंगा बच्चे के साथ भाई, वो रो रो के मेरे नींद में खराब कर देगा, मैं सैक्रीफाइस कर दूंगा, पर भाई इधर बैठूंगा। बाकी भाई ये देखो क्या है भाई, अभी टेक ऑफ किया और मेरे को मतलब हार्ट अटैक आने वाला हो रहा है भाई, तो हार्ट अटैक नहीं, बस डर सा लग रहा है एकदम से, यू भाई यू जाते थे यू हो गए, यू अभी हवा में यू यू झूल रहा है, मैं दिखाता हूँ भाई, ये यू झूल रहा है यार भाई। अपना ब्रेकफास्ट या डिनर कुछ भी कुछ आ चुका है, इसमें देखते क्या क्या मिला है। सैलेड भाई, सैलेड में खीरा, गाजर, पानी की बोतल, मफिन, पास्ता, मजा आ गया भाई, खा के देखते हैं भाई कैसा है इनका पास्ता वगैरह। भाई खाना वगैरह मतलब खा लिया, ब्रेकफास्ट कर लिया है, ब्रेकफास्ट बढ़िया था, और ब्रेकफास्ट खाते खाते जैसे मेरे को एक बात याद आई, मैं अपना चार्जर एयरपोर्ट में भूल गया। जब मैं बोर्डिंग कर रहा था तो मतलब जल्दी जल्दी में मतलब चार्ज लगा था पीछे और मैं वहीं भूल गया, मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पावर बैंक की वायर यूज कर रहा हूँ, सेट मेरा चार्जर के बिना पता नहीं क्या होगा, मुझे समझ नहीं आ रहा यार। एक तो वैसे नींद आ रही है बहुत ज्यादा और ऊपर से अब इसकी टेंशन रहेगी, जिंदगी बर्बाद हो गई यार। थोड़े 6 घंटे हो गए फ्लाइट में और अभी से कोई हालत, अभी आधे घंटे 8 घंटे और पड़े हैं भाई, मैं सोच सोच के परेशान हूँ, ना नींद आ रही है ना कुछ करने के लिए है, बस भाई पूरी मुश्किल से कट रहे हैं भाई।
और अभी बाहर का व्यू वगैरह कुछ नहीं ले सकते क्योंकि रात हो रही है, तो समझ सकते हो। बाकी मैं पूरी तरह तरह यार कैसे कटे का टाइम कैसे कटे टाइम में यही सोच रहा हूँ, बाकी देखते काटना तो पड़ेगा। तो 5 मिनट में हमारी ना फ्लाइट अभी लैंड करने वाली है वैंकूवर में, और जैकेट मैंने पहन लिया क्योंकि जो मैंने नीचे देखा तो भाई थोड़ी देर बर्फ थी, मुझे पक्का पता था ठंड होगी, तो देखता हूँ जैकेट पहनी तो है। बाकी एयरपोर्ट पे भी पता लगे उतर के क्योंकि फ्लाइट में कुछ पता नहीं लग रहा, और एयरपोर्ट पे भी हीटर्स लगे होंगे तो ज्यादा कुछ पता नहीं लगेगा। बाकी 5 मिनट में आ गया। ये देखो, अरे